हरियाणा में राजनीतिक उठापटक भी चल रही है, दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया है और इसका सिलसिला आगे आप 2024 तक देखेंगे। हरियाणा में जेडीपी को बताया गया कि बड़ा झटका लगा है, अब जेडीपी से मानेगी नहीं, ये तो जेडीपी पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी जेडीपी के विरोधी जरूर इस बात को कह रहे हैं। पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक अर्जुन सिंह ने जेडीपी को अलविदा कह दिया। चौधरी अर्जुन सिंह जेडीपी को अलविदा कहकर बीएसपी के साथ चले गए, जेडीपी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास जताया। अर्जुन सिंह ने जेडीपी को छोड़ने के बाद अर्जुन सिंह का बयान सामने आया है, अपने घर वापस आया हूं। ये बात बिल्कुल सही है, अर्जुन सिंह पहले बीएसपी में थे और अच्छा खासा वोट बैंक भी वहां पर कर लिया गया था बीएसपी का, लेकिन बीच में बीएसपी का ग्राफ फिर से गिरा। अब क्या ग्राफ उठा पाएंगे अर्जुन सिंह, सवाल है। जवाब तो 2024 का विधानसभा का चुनाव भी दे देगा और आम चुनाव में भी ये मालूम हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। सुनवाते हैं अर्जुन सिंह ने पार्टी छोड़ने के बाद क्या कहा। मारा बढ़िया था, मारा बहुत बढ़िया, मुख्यमंत्री मारा बहुत सम्मान करेगा, उसमें उन्हें कभी कोई किसी किस्म की वो कोई कसर नहीं रखी। पर जिस पार्टी के हमारा समझौता है, हमने पार्टी में मतलब उनसे ताकत दे रखी, वही मतलब मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम तो इनकी बात ही नहीं मानते। जेडीपी के लिए बताया गया कि झटका है, लेकिन आने वाले वक्त में मालूम होगा कि ये पार्टी जब छोड़ने का विचार मन में बनाए हुए आगे बढ़े अर्जुन सिंह, तो क्या ये सोच समझकर आगे बढ़े कि उनको फायदा होगा राजनीतिक तौर पर। उनकी जो पारी है वो फिर से बीएसपी से शुरू हो गई है, बीएसपी में पहले भी थे, लेकिन अब जो उन्होंने बात कही कि फिर से मैं घर वापस आया हूँ, घर वापसी का फायदा कितना होगा ये भी वक्त बताएगा, भविष्य पर सब कुछ छोड़ा जाता है।